महेंद्र सिंह धोनी 41 साल के हैं और 240 आईपीएल मैचों का हिस्सा रहे हैं। धोनी जानते हैं कि वो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। साथ ही उनका ये भी मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने जो 4 आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं उनकी यादें हमेशा सजो कर रखेंगे। चेपॉक स्टेडियम में हैदराबाद के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद धोनी ने कहा कि निश्चित रूप से मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आप इस चीज़ से शर्मा भी नहीं सकते। साथ ही ये मेरे कैरियर का अंतिम फेज है। मैं जितने भी समय तक खेलूं आईपीएल का आनंद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। 2 साल के बाद दर्शक मैदान पर आईपीएल देखने के लिए आ रहे हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में यहां खेलना एक सुखद की अनुभूति है। उन्होंने कहा कि मैं टूर्नामेंट की शुरुआत में कहा था कि चेन्नई से ज़्यादा नहीं खेले हैं और हम केवल 6 सीज़न यहाँ खेलने में सफल हुए हैं, इसलिए यहाँ वापस आकर अच्छा लग रहा है। दर्शकों ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। इस साल धोनी एक युवा गेंदबाज के समूह के साथ आईपीएल में उतरे हैं। शुक्रवार को रविंद्र जडेजा ने भले ही ज़्यादातर विकेट लिए लेकिन आकाश सिंह, महेश थीसला और मथीसा पथिरान ने भी कमाल की गेंदबाजी की। धोनी ने नई गेंद की जिम्मेदारी आकाश और तुषार देशपांडे को दी। इसके बाद उन्होंने स्पिन गेंदबाजों का प्रयोग करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया। जब धोनी से पूछा गया कि वो युवा गेंदबाजों को किस तरह से गाइड कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि क्षेत्र रक्षण में पहली प्राथमिकता क्या है और इसके बाद आप जैसी भी गेंदबाजी करना चाहते हैं वो आप पर है। साथ ही वो जो करना चाहते हैं वो मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे उनका प्लान समझ में नहीं आता है तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि मैं रणनीति के साथ जीना चाहता हूँ या जाना चाहता हूँ। उम्र और कम क्रिकेट खेल के मद्देनज़र उनकी विकेट कीपिंग के बारे में पूछे जाने पर धोनी ने मजाकिया अंदाज में शिकायत करते हुए कहा कि एडन मार्करम के कैच के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कैच पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कैच पुरस्कार मुझे नहीं दिया गया, उस कैच को पकड़ने के दौरान काफ़ी गलत पोजीशंस में था, सिर्फ इसलिए कि आप दस्ताने पहनते हैं और लोग सोचते हैं कि वो बहुत आसान सा कैच था, लेकिन मुझे लगा कि एक शानदार कैच था। कई बार आप किसी कैच को गलत समय पर गलत स्थिति में होने के बावजूद पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की तमाम क्रिकेट की हलचल के लिए देखते रहें क्रिकेट की गपशप। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। शुक्रिया।